नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे अब इस एपिसोड में एरिस साइन की। मेष राशि, ऐसा है कि अगर आपके चार्ट के अंदर कहीं पर भी एरिस साइन है तो उसकी एनर्जी आपके चार्ट के अंदर है, तो वो एनर्जी जो है कि आपके चार्ट के अंदर किसी भी हाउस में हो सकती है, आपके जो है कि फोर्थ हाउस के अंदर हो सकती है, टेंथ हाउस के अंदर हो सकती है एरिस साइन, आपके सेवन्थ हाउस में एरिस साइन हो सकता है। तो क्या वो एरिस साइन काम नहीं करेगा अगर उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है? बाई चांस मान लीजिए ग्रह नहीं बैठा है, बैठा हो तो ठीक है, नहीं बैठा है तो क्या वो जो आपका चार्ट है उसके अंदर जो वो एनर्जी है, जो एरिस साइन की एनर्जी है, जो मेष राशि की एनर्जी है, क्या वो काम नहीं करेगी? काम करेगी, डेफिनेटली काम करेगी। तो आज हम वही देखेंगे कि वो एरिस साइन जो है कि आपके चार्ट के अंदर अगर कहीं पर भी है, ये ब्लैंक चार्ट है, किसी का चार्ट नहीं है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि एरिस साइन अगर आपके किस भाव के अंदर, उस भाव को लेंगे और आपके जो एरिस की एनर्जी है, हमारे जो साइन है। अब एरिस है क्या? एरिस साइन जो है कि हमारे जोड़िया इसका फर्स्ट साइन है, पहली राशि है। अब पहली राशि है, बहुत एनर्जेटिक है, वहाँ पर कुछ ना कुछ नया, यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमें पहला जो भाव मिलता है वो लगन मिलता है, और जो हमारे काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो वहाँ पर एरिस साइन होता है, मेष राशि होती है। तो वो स्टार्टिंग है, बिगनिंग है वो किसी भी चीज़ की। तो वो जो बिगनिंग है उसके लिए बहुत पावर चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए किसी भी काम को शुरू करने के लिए। तो वो जो एनर्जी है वो जो है कि एरिस साइन रिप्रेजेंट करता है, हमारी मेष राशि रिप्रेजेंट करती है, उसका स्वामी मार्स रिप्रेजेंट करता है, कि जो एनर्जी लेवल है वो किसी और राशि के अंदर उसके मुकाबले में बहुत कम होता है जितना एरिस साइन के अंदर होता है। एरिस साइन के अंदर क्वालिटी है कि कोई भी वर्क जो उसको या कार्य जो उसको दिया जाए उसको फटाफट ख़त्म करे, जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता है एरिस साइन जहाँ कहीं पर भी हो, क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा देर तक काम, अगर कोई ऐसा काम है जो उसको लंबे समय तक करना है तो एरिस साइन के अंदर क्वालिटी है कि वो जो है कि चर राशि है, तो वो मतलब एक जगह टिक के स्थिर काम नहीं कर सकते, उसको चेंज चाहिए। तो आज हम एक या दो टेक्निक के ऊपर जो एरिस साइन के है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वो एरिस साइन जो है कि वो किस तरीके से कार्य करता है अपने चार्ट के अंदर, एक तो वो मैंने बताया कि वो जो है कि एक जगह टिकता नहीं है, उसका जो कि मन उब जाता है, जहाँ पर भी वो एरिस साइन है आपको उस भाव कम जो भाव रिप्रेजेंट करता है, जिन चीज़ों को सिग्निफाइड करता है उसको हम लेंगे। एक हमारा एरिस साइन एनर्जेटिक साइन है, चर साइन है, तो एक अग्नि तत्व है, मतलब जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं उनमें से उस भाव के साथ मैच करके जो आज हम बात करेंगे वो उस बात पे करेंगे कि वो एक जगह टिकता नहीं है, उसका मन भर जाता है और उसके बाद वो जो है कि कुछ नया चेंज चाहता है उस जगह पे, जहाँ पर भी है वो टेंथ हाउस, फोर्थ हाउस, वन फर्स्ट हाउस, जहाँ पर भी है फर्स्ट हाउस में है तो फिर हर चीज़ को एनर्जेटिक, मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है, उसे हर चीज़ के अंदर चेंज चाहिए, उब जाता है वो जल्दी, मेहनती बहुत होता है, सुबह से लेकर शाम तक वो जो है कि 12 घंटे काम करने के बाद भी नहीं थकता है। अब इस तरीके का जो कि एनर्जी लेवल उसके अंदर होता है, इतनी पावर होती है उसके अंदर कि आप मतलब कि उसकी तुलना जो है कि हमारे जो पावर है, जैसे हाउस पावर बोलते हैं हम गाड़ियों के इंजन्स की, तो वो हाउस पावर जो है वो जो एरिस साइन की है, तो उसके जो स्टार्टिंग है वो, तो उसको हम अगर हम लेंगे तो मान लीजिए कि अगर आपके चार्ट के अंदर वो आपके फिफ्थ हाउस के अंदर, अब फिफ्थ हाउस है हमारे एजुकेशंस का है, क्रिएटिविटी का है, हमारे बच्चों का है, स्कूल लाइफ का है, पढ़ाई का है, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर एरिस साइन किसी का आ जाता है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि उसको जो है कि मान लीजिए पढ़ाई के अंदर है तो उसका जो है कि सब्जेक्ट्स चेंज करना, यानी मतलब कि कभी कुछ सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहा है वो, उसके बाद उसका मन उब गया कि नहीं यार इस सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आ रहा है, कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेना, या स्कूल चेंज होना, चाहे वो अपनी मर्जी से करे या वो हालात कराए, मतलब उसके स्कूल बहुत चेंज होंगे, और जो है कि ये एरिस साइन की क्वालिटी, वो आप उसके पाँचवें भाव के अंदर आ गया तो उसने अपना रिजल्ट देना देना है। जब एरिस
कि दशा अंतरदशा के अंदर एरिस एक्टिव होगा तो वो जो है कि उसको जो है कि वहाँ पर चेंज चाहिए चाहिए। अब यहाँ पर मैंने बताया आपको कि हमारे लव रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस हाउस के अंदर एरिस साइन का होना एक तरीके से इस जातक के लिए जिसका जो एरिस साइन है यहाँ पर, तो वो जो चीज़ है वो उसके लिए जो है मतलब कि दिक्कत परेशानी वाली तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वो खुद उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है। धनु जो लगन होगा जिनका, उनका एरिस साइन जो है कि फिफ्थ हाउस के अंदर पड़ेगा, और ऐसे जातक जो धनु लगन से बिलोंग करते हैं उनकी आदत होती है कि वो जो है कि बहुत क्विकली जो है कि लव रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस चाहते हैं और चेंज कर जाते हैं। मतलब अगर उनको लगा कि भाई नहीं ये बेस्ट है मेरे लिए, उसके साथ कुछ दिन रिलेशनशिप लगा, उनको कुछ दूसरा बंदा लगा कि नहीं यार ये मेरे टाइप बंदा या मेरे टाइप का नहीं है, उसको थोड़ा मेरे को तो ऐसा चाहिए था, वो वहाँ से जंप कर जाएगा दूसरे रिलेशनशिप के अंदर बहुत आसानी से। अगर कोई उसको जैसे ब्रेकअप वगैरह हम बोलते हैं वो छोड़ के चला गया तो भी उसको ज़्यादा हर्ट नहीं होता, बहुत इजीली वो जो है कि दूसरे रिलेशनशिप के अंदर चला जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको चेंज चाहिए, खुद को भी चेंज चाहिए। तो जो फिफ्थ हाउस के अंदर जो है कि अगर एरिस साइन है तो ये दिक्कतें आती हैं, और वो धनु लगन के लिए आएंगी सीधी बात। अगर वही जो कि एरिस साइन मान लीजिए कि आपका जो है कि सेवन्थ हाउस के अंदर आ जाए, सेवन्थ हाउस हमारे रिलेशनशिप का है, वो रिलेशनशिप आपके बिजनेस पार्टनर की भी हो सकती है, आउटर वर्ल्ड से किसी से भी हो सकती है, या अपने जीवन साथी के साथ हम मान सकते हैं। तो रिलेशनशिप के जो जो हमारा हाउस है उसके अंदर अगर एरिस साइन है, ये जो है कि हमारा तुला लगन लिब्रा, ये उनके अंदर जो कि ये एरिस साइन जो है कि आपके सेवन्थ हाउस के अंदर आएगा, तो इन जातकों के साथ दिक्कत क्या है कि ये बहुत ही रिलेशनशिप के अंदर जो है ना बहुत जल्दी उभ जाते हैं। अपने जीवन साथी से लगा लो या बिजनेस पार्टनर है, तो इनको बहुत चेंजेस चाहिए होते हैं वहाँ पर, जो मतलब कि काफ़ी पहले बहुत ही एनर्जेटिक लेवल पे उनसे मिलेंगे, उनसे रिश्ते निभाने शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा वो फेथ होगा, धीरे धीरे उनको क्या लगेगा वो उभना शुरू हो जाएंगे उससे रिलेशनशिप से या उससे, उनको फिर वहाँ चेंज चाहिए। तो एरिस साइन जो है कि जो तुला लगन है उनके अंदर जो सेवन्थ हाउस के अंदर पड़ता है वो थोड़ा गलत प्रभाव डालता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप के हमारे जीवन साथी के हो, हमारे बिजनेस पार्टनर के, तो उनको वहाँ पर जो है कि फेथ करना पड़ेगा ऐसे व्यक्तियों को। अगर वो वहाँ पर टिक के कार्य करते हैं तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन उनके स्वभाव के अंदर जो एरिस साइन जब एक्टिव होता है ना, जब तक एक्टिव नहीं होता तब तक ठीक है, चला लेते हैं, हो सकता है बहुत समझदार है, जैसे नाइन मतलब बैलेंसिंग वाला साइन है उनके जो कि हमारे लगन के अंदर सेवन नंबर तुला राशि, तो बैलेंस करके चल लेते हैं। लेकिन जब एरिस एक्टिव होगा, यानी कि सेवन्थ हाउस के अंदर जो एनर्जी है एरिस साइन की, जो मेष राशि की एक्टिव है, जब वो एक्टिव होगी तो वो नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, और वो जो है कि रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि वो दूसरा रिलेशनशिप बनाना की कोशिश करेंगे या बना लेंगे, क्योंकि एरिस साइन है वहाँ कुछ नया स्टार्ट होना। मैंने शुरू में बताया कि जब हमारा जीवन स्टार्ट होता है इसलिए ही हमारे वो पहले नंबर की राशि दी गई है ऋषि मुनियों ने हमें, तो वो इस तरीके से जो हम देख सकते हैं कि वो जो एरिस साइन है वो सेवन्थ हाउस के अंदर रिलेशनशिप के लिए ख़राब है, जब भी वो एक्टिव होगा नया रिलेशनशिप बनेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो एरिस साइन है जब एक्टिव होता है तो किस तरीके से जो है कि जातक को मतलब कि कार्य करवाता है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके नाइन्थ हाउस के अंदर है, अगर आपके नाइन्थ हाउस के अंदर एरिस साइन आता है तो आप बहुत जल्दी जल्दी जो है कि अपने गुरुओं को बदलोगे। जैसे मान लो आप कुछ सीखने जा रहे हो, आप चाहते हो कि एनर्जी जो मतलब एनर्जी है जो हमने एरिस की है वो फटाफट कार्य ख़त्म करना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर वो सीखेगा तो वो बोर हो जाएगा उससे, उसको तो मतलब कोई भी कार्य दिया जाता है उसे ख़त्म करना है, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। तो वो चाहता है कि जो कि वो उसकी जो स्टडीज़ हैं जो भी वो सीख रहा है वो फटाफट जो है कि उसको आ जाए और वो जो अगला कार्य कोई और करे, क्योंकि उसे चेंज चाहिए। लेकिन जब उनको जो कि वो जल्दी से नहीं मिलता है या कोई ऐसा नहीं तो वो फेथ नहीं करते हैं उनको अपने गुरु के ऊपर, तो वहाँ पर उनको चेंज चाहिए, वो गुरु को चेंज कर देते हैं, बार बार गुरुओं को चेंज करते हैं, किसी एक गुरु पे स्ट्रिक्ट नहीं होता। तो उनके लिए यह है कि जब कुछ चीज़ सीख रहे हो तो वहाँ प्रॉपर तरीके से सीखो, किसी पर विश्वास करो अपने गुरु पर, तो उनके लिए जा अच्छा होगा। तो ये एरिस साइन की क्वालिटीज़ हैं।
अब वो वही एरीज साइन अगर आपका सिक्स्थ हाउस के अंदर आया था, अब आपके सिक्स्थ हाउस के अंदर अगर एरीज साइन होता है, ये हमारे डेली रूटीन वर्क्स का है, वहाँ स्टेबिलिटी नहीं रहती उनके, वो एक जॉब में हैं, वहाँ पर जो है कि कार्य कर रहे हैं, उसके बाद उनको लगेगा कि नहीं यार पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली, सब कुछ कार्य कर रहे हैं, मेहनत से एनर्जी पूरी लगा रहे हैं वहाँ पर, जो कार्य कोई और नहीं कर रहा वो कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो है कि उनको ऐसा लगता है कि तो वो अंडर पेड है, तो वो जो है कि वहाँ से चेंज करने की सोचेंगे, तो वो जो कि उनके जो कि जॉब के अंदर डेली रूटीन वर्क्स के अंदर जो कि स्टेबिलिटी नहीं रहती, वो वहाँ पर चेंज चाहिए होता है उनको। इस तरीके से एरीज जो साइन है, जब भी वो एक्टिव होगा दशा अंतरदशा के अंदर, राशि दशा अपनी चर दशा वगैरह, काल चक्र दशा या महादशा के अंदर, एरीज साइन कब एक्टिव होगा, जब मंगल एक्टिव होगा, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, और मंगल मूल त्रिकोण हो या दूसरी राशि हो, एट्थ हाउस भी एक्टिव होगा, तो वो उसको आप ये ले सकते हैं कि कोई भी ऐसी दशा चल रही है जिसके अंदर वो मंगल जो है कि इन्वॉल्व है, एरीज साइन एक्टिव हो जाएगा, और उस टाइप पे उनको चेंज चाहिए होता है, कुछ नया शुरू करना होता है वहाँ पर। इसी प्रकार से अगर फोर्थ हाउस के अंदर है तो उनको वहाँ पर चेंज चाहिए, फोर्थ हाउस के अंदर अगर वो है तो उनको अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज चाहिए। जब भी एरीज एक्टिव होगा वो या तो नया घर लेने की सोचेंगे, या अपने घर के रिनोवेशन कराएंगे, या कोई गाड़ी वगैरह अगर वीनस इन्वॉल्व हो जाता है उस टाइम पे, जहाँ फोर्थ लॉर्ड बैठा हुआ है यानी मंगल बैठा हुआ है, क्योंकि एरी साइन आपके फोर्थ हाउस के अंदर आएगा तो उसका स्वामी हुआ मंगल, तो वो जो एक्टिव होगा अगर वीनस के साथ बैठा हुआ है, या वीनस अगर फोर्थ हाउस में है, मंगल की दृष्टि उसे पड़ रही है, जब वीनस कहीं भी हो सकता है मंगल की दृष्टि है, या मंगल साथ में बैठा हुआ, क्योंकि वो एरीज जब एक्टिव होगा तो मंगल भी एक्टिव होगा, फोर्थ हाउस का लॉर्ड हो जाएगा वो, तो उस टाइम पे जो है कि वो जो फिर गाड़ी चेंज करना, नई गाड़ी खरीदना, नई कार खरीदना, या नए सोफे खरीदना, मतलब कुछ भी नया लग्जरीज आइटम, भोग विलास के वस्तुएँ जो होती हैं वो उसको खरीद कर जो कि लाना, इस तरीके से हमारा जो एरीज साइन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं भाव के हिसाब से। और उसके बाद जैसे मैंने पिछले एपिसोड के अंदर बताया कि जो जुपिटर के बारे में मैंने बताया था कि उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको एरी साइन के अंदर भी बताया था जुपिटर का, तो उसी तरीके से जो आपका एरी साइन आपको जब पूरा क्लियर हो जाएगा तो आप उसके अंदर कोई भी प्लैनेट डाल के उसके कारतत्व को उसके साथ मिला के तो कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये एरी साइन के ऊपर था, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया हो, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल जो है कि ये प्रिडिक्शन की टेक्निक है, कि जो आप जो है कि भाव के साथ जो है कि एनर्जी जो है हमारे साइंस की, जो हमारी राशियों की एनर्जी है वो आप मिलाइए, क्योंकि राशि आपकी किसी चार्ट में कहीं पर भी हो, उसे प्लैनेट है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने जो है कि जो वहाँ के लॉर्ड हैं, जब उनकी दशा अंतरदशा प्रयंतरदशा आएगी वो एक्टिव होंगे, और आपको जो है उनके रिजल्ट आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे, अच्छे बुरे जो भी हैं वो उनका लॉर्ड बताएगा। परंतु जो ये मैंने प्रिडिक्शंस दिए हैं ये आप आँख मूंद के प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जो मैंने बताया है वो अपने चार्ट खोलिए, जिनका एरीज जहाँ पर है उसको लगा के देखिए, 100% काम करता हुआ मिलेगा। तो गाइस अब आगे जाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए आगे चाहता हूँ, नमस्कार।